नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी ने प्रत्याशियों के लिए आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करके और आप जो अपना आवेदन है उसको जमा कराएं, और सुने क्या क्या आदेश दिए हैं महक सिंह जी ने। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, आज उत्तराखंड प्रदेश से जितने भी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, मेरी मंगल कामनाएं बुद्ध कामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बस आपसे यही आग्रह करता हूं कि जितने भी साथी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, वो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा कोरोना गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए सभी प्रत्याशियों से आग्रह करते हैं कि सीमित संख्या में जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन भरें और नामांकन भर के शांतिपूर्ण तरीके से अपने स्थान पर आएं और अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरी अपील है कि अपने अपने प्रत्याशियों को बड़ी ही मेहनत से, लगन से, समर्पित होकर अपने प्रत्याशी के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति समर्पित होकर अपने प्रत्याशी के लिए कार्य करें और उन्हें जो है भारी मतों से जिताने का काम करें। और आज जितने भी साथी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, फिर से पुनः आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सीमित संख्या में लोगों को ले जाकर नामांकन करें। और मैं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भावनाओं की कदर करता हूं, उनकी भावनाओं को समझता हूं कि सभी साथी जोर शोर से नामांकन करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही कोरोना गाइडलाइन जारी की गई चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसका हम सम्मान करते हैं। आप सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि अपने अपने प्रत्याशियों को पुरजोर समर्थन करें। जय भीम।